और अब तक हमने समझा पोरीफर्स एंड सिलेंट्रेट्स के बारे में अब बारी है एक नए फाइलम की तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लेटिहेल और प्लेटफॉर्म्स सो लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन ऑन अनदर फाइलम कॉल्ड प्लेटिहेल सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं और डेफ तक पढ़ना चाहते हैं So, की इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास इस बुक की हार्ड कॉपी नहीं है और आप ई e बुक एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक uh, जो है वो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सो डियर स्टूडेंट्स वीडियो फॉर अबाउट नेक्स्ट थर्टी मिनट अबाउट और फ्लैट वॉर्म्स एज अ नेम सजेस्ट जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि दीज आर वॉम्स नोन फॉर सम मिसचिव इन द ह्यूमन बॉडी दे हैव बीन नोन टू कॉज मैनी डिजीजेज़ बहुत सारी बीमारियाँ करते हैं और जनरली आप डे टू डे लाइफ में नॉन साइंटिफिक लोगों से अक्सर सुनते होंगे कि लोगों के पेट में कीड़े हो गए हैं दर्द हो रहा है पेट में कुछ बीमारियाँ हो गई हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि इन प्लेटी हेलमेंथिस या फिर अगला फाइलम जो हम डिस्कस करेंगे एस्कल हेलमेंथीज दैट इज़ राउंड वॉर्म्स इनके थ्रू होती हैं लेकिन इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन शुरू करें मैं आपको एक बात का कौशन देना चाहूँगा एक बात के बारे में अलर्ट करना चाहूँगा कि जो वॉम वर्ड है इट इज़ नॉट अ टेक्सोनमिक ग्रुप ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड साइंटिफिक टर्म नहीं है बल्कि एक जनरल लिटरेरिक टर्म है दैट मीन्स यू कैन यूज दैट वॉर्म्स सफिक्स विद मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इनफैक्ट अर्थ वॉम को भी वॉम कहते हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस फाइलम को बिलोंग नहीं करते हैं और इन्हें वाम कहा जाता है सो इन इंग्लिश यू कैन से मोस्टली क्रीपी क्रीपी लुकिंग थिंग्स दे कैन बी कॉल्ड एज वॉम्स एंड दे मे नॉट नेसेसरि भी बिलोंगिंग टू दिस फाइलम वो इस फाइलम को बिलोंग नहीं करती होंगी तो इसलिए इसको वॉर्म नाम देना टेक्सोनॉमिक ग्रुप में गलत होगा बल्कि हम अगर इनको प्लेटी हेलमेंथिस कहें तो ज़्यादा बेटर होगा हालांकि हेलमेंथ का मतलब वॉर्म होता है बट स्टिल टू बी मोर साइंटिफिक वी विल ऑलवेज कॉल इट एस प्लेटे हेलमेंथिस रादर देन फ्लैट वार्मस सो लेट एस स्टार्ट अवर डिस्कशन हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं एंड वी विल टॉक फर्स्ट अबाउट द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटी हेलम सो इन द प्रीवियस टू वीडियोज अबाउटर्स एंड सिलेट्स वी सॉ वन कॉमन थिंग बिटवीन दम दैट देवर डिप्लोब्लास्टिक विच मीन्स दे आर असेंशियली मेड अप ऑफ ओनली टू लेस ऑफ एम्ब्रायनिक सेल्स डिप्लोब्लास्टिक का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था जब एक जाइगॉट से एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो के बाद ऑर्गन और बाकी सारे टिश्यूज़ और सेल्स डेवलप होने के लिए कुछ लेयर्स बनती हैं तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में केवल दो ही लेयर्स होती हैं और उनमें ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं उनमें केवल टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है लेकिन हम अगर एक मेजर डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको देखें दैट मीन्स प्लेटी हेलमेंट्स को अगर देखें सो दे आर ट्रिप्लो इन नेचर वो कैसे होते हैं ट्रिपलोब्लास्टिक नेचर के होते हैं यानी कि इनमें अब तीन मेम्ब्रेन होती हैं विच वी कैन डिफाइन एज एक्टोडम जो बाहर की तरफ है बीच में मिजोडम और एक अंदर की तरफ जिसे हम एंडोडॉम कहेंगे ये मैं एम्ब्रियो की बात कर रहा हूँ जब ये ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं तो किस तरह से इनके बॉडी के पार्ट्स बनते हैं कितनी लेयर्स से बनते हैं सो दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल फाइलम विच इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ द सेल्स एंड दैट्स वाई दे आर ट्रिप्लो सो हेयर यू कैन डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम प्रीवियस टू फाइलम्स पिछले दो फाइलम से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हालांकि ये भी ए सिलोमेट होते हैं एंड वॉट डू यू अंडरस्टैंड वाई ए सिलोमेट आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि सिलोम एक बॉडी कैविटी होती है हमारे शरीर के अंदर भी अगर आप देखें तो इंटेस्टाइन है लिवर है बहुत सारे ऑर्गन है और बाहर जो है बोन है स्किन है लेकिन इनके बीच में कुछ जगह है दैट स्पेस इन द एम्ब्रियो इज बेसिकली सिलोम विच विच प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विच प्रोवाइड्स कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी सो अप टू दिस लेवल वी स्टिल हैव दीज ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज ए सिलोमेट अभी तक एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनमें भी सिलोम नहीं होती है ये बिना सिलोम के ऑर्गेनिज्म तो ये एक कॉमन पॉइंट हो गया दीज आर ए सिलोमेट जस्ट लाइक पोरिफर्स एंड सिलंट्रेट्स बट वॉट इज द डिफरेंस दे आर डिफरेंट बिकॉज दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर वो ट्रिप्लो ब्लास्टिक नेचर के होते हैं आगे देखते हैं they possess a mouth but no anus that means in kijo elementary canal you know about our elementary canal we have one opening for ingestion of the food khane ke kilia and another opening called anus for excretion of the food but these organisms interestingly have only mouth now you might be wondering that how do they excrete their food so there are different mechanisms इनमें कई सारे मैकेनिज़म्स हैं अपने फूड को एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट करने के लिए और इस तरह के बॉडी प्लान को हम ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं मतलब एक बैग की तरह है एक थैले की तरह है जिसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो उसी सैक से इनको फूड इंजेस्ट करना है और उसी एक रास्ते से इनको फूड को एक्सक्रीट करना है वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना है तो इस तरह का बॉडी प्लान क्या कहलाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहलाता है और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों क्या इनको ज़रूरत नहीं है इस तरह के ओपन सिस्टम की एवोल्यूशन में क्यों नहीं ऐसी चीज़ें आई तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जो ऑर्गेनिज़म्स हैं इनमें से ज़्यादातर पैरासिटिक हैं मतलब वो ह्यूमन की गट में या अदर ऑर्गेनिजम्स की एलिमेंट्री कैनाल में रहते हैं और वहाँ से ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड कंज्यूम करते हैं तो इनको जरूरत ही नहीं होती है अपना फूड बहुत ज्यादा प्रोसेस करने की और एक्सक्रीट करने की सो देर वॉज नेवर अ नीड ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी पीरियड दैट दे रिक्वायर्ड एनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर दम सो दैट्स वाई दे हैव अ ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान तो दो बातें आपने देखी ट्रिप्लो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान एंड दे डू नॉट हैव नाउ द डाइजेस्टिव स्केलेटल सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर एबसेंट तो पिछले दो फाइलम्स में हमने देखा कि कोई भी सिस्टम नहीं था दे डिड नॉट हैव एनी काइंड सिस्टम लेकिन यहाँ हम देखेंगे हालांकि ये सब सिस्टम इनमें एबसेंट होते हैं लेकिन कुछ सिस्टम्स इनमें प्रेजेंट हैं देर आर अ फ्यू they स्टार्ट टू डेवलप सो दे डोंट हैव एनी skeletal सिस्टम कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है कोई इनमें रेस्परेटरी सिस्टम नहीं है uh, ग्लैंड जो होती हैं इनमें वो बेसिकली हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम करते हैं तो अब ये क्या चीज़ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब वो मल्टी सेलुलर है तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी वैसे उसको अपना शेप मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट तो चाहिए मे बी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आप आ, बीच के किनारे बैठकर अगर रेत से कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो छोटा स्ट्रक्चर आप रेत से बना सकते हैं लेकिन आपको मैं कहूँ कि बहुत बड़ा हाउस बनाना है आपको पूरे रेत से बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे जब तक आप उसमें कॉन्क्रीट रिनफोर्स नहीं करेंगे ब्रिक्स नहीं लगाएंगे आप उसमें आयरन रॉड्स नहीं लगाएंगे तब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते राइट right? तो इसी तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स में भी कुछ बेसिक स्केलेटन की ज़रूरत होती है कुछ बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट्स की ज़रूरत होती है और यहाँ पर एक वेल डेवलप्ड स्केलेटल सिस्टम तो नहीं है लेकिन इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनको हम पैरेंकाइमल सेल्स कहते हैं और वो पैरेंकाइमल सेल्स हाइड्रोस्केलेटन यानी कि सेमी फ्लुड लिक्विड टाइप का एक स्केलेटन प्रोवाइड करती हैं सो दैट इज़ little more advanced system than porifers and cylindrates, but they are still inferior compared to our uh, groups like chordates. Then uh, their body is very soft. Inki body jo hai soft hoti hai, slimy kind of body hoti hai, or dorsoventrally flattened hoti hai. Now, what do you understand by dorsoventrally flattened? मतलब अगर आप मेरे को road roller के ऊपर मेरे ऊपर से road roller गुजार दो तो मैं flat हो जाऊंगा two dimensional हो जाऊंगा पोस्टर बन जाएगा मेरा आप ऐसा ही समझ लीजिए ये ऑर्गेनिज्म टू डायमेंशनल की तरह होते हैं दे आर वेरी फ्लैट एंड दैट टर्म इन साइंस इज कॉल्ड डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट मतलब पीठ की तरफ से भी और पेट की तरफ से भी उनको फ्लैट कर दिया गया दबा के तो वो एक टेप की तरह या एक लीफ की तरह इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसीलिए इनका नाम भी प्लेटी हेलमथिस कहा गया है

therefore they are little more advanced than in terms of organ system development kuch कुछ और hain हैं कुछ और चीज़ें हैं इनकी general characteristics mein में जो हम देखना पसंद करेंगे हम इनके बारे में और जानेंगे तो वो क्या चीज़ें हैं जो इनका organ level ka का hai है organ system सिस्टम uh, ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पर्टिकुलर कनेक्टेड टिश्यू में पैक्ड होता है जिसको हम पैरेंकाइमा कहते हैं मैंने पहले भी इसकी बात की थी आपको ध्यान है अभी मैं जब स्केलेटन की बात कर रहा था तो मैंने कहा कि हाइड्रोस्केलेटन होता है इनका एक सेमी फ्लुइड एक सॉफ्ट uh, स्केलेटन होता है और उसी सॉफ्ट स्केलेटन को हम पैरेंकाइमा नाम से जानते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है इनमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स नहीं है लेकिन क्या क्या है दे हैव लॉन्गिट्यूबनल नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट है एक्सक्रीटरी सेल्स इनके अंदर प्रेजेंट है और ये जो इनके ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये कैरेक्टरिस्टिक वे में लेडर की तरह यानी कि सीढ़ी की तरह अरेंज रहते हैं तो अगर आप पूरे ऑर्गेनिज्म को देखें इनमें ऑर्गन्स जो हैं जो सेल्स हैं वो एक सीढ़ी की तरह धीरे धीरे अरेंज होंगी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सो दैट इज कॉल्ड एस लेडर लाइक अरेंजमेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इनका होता है उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक टाइप की सेल्स होती हैं ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वॉट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेटी हेलम्थिस So you might note that name. These are called as flame cells. I will tell you why they are called as flame cells. क्यों इनको flame cell कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी तो excretory organ के तौर पर इनके अंदर flame cells होती हैं जो flame की तरह flicker करती हैं इसलिए flame cells हैं Then uh, most of them are hermaphrodite. What do you mean by hermaphrodite? You must be knowing. They don't have distinction in the sexes, like male and female. These organisms are not different. But basically, a single organism would have both the male and female reproductive organs. So, that is yet another characteristic of these uh, organisms. And they often perform self fertilization. That means they do self fertilization, they do not require cross mating with different gender. That is the characteristic of these organisms. And most of the fertilization is internal. यानी कि जो डेवलपमेंट होता है इनके नए ऑर्गेनिज्म का स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन होता है फिर जो डेवलपमेंट uh, है उससे जाइगोट से ऑर्गेनिज्म का दैट ऑल टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन सो दिस वर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये जो थी ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी अब हम थोड़ा सा और एक कॉन्टेक्स्ट देखेंगे एंड दैट विल बी डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स इनके क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं जो इनको बिल्कुल अलग बनाते हैं अगर आपको कोई ऑर्गेनिज्म कहीं मिल जाए और आप कहना चाहें उसको पता करना चाहें कि ये फ्लैटफॉर्म है कि नहीं वेदर इट इज़ प्लेटी हेलमें थ नॉट सो दोज डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स विल बी वन प्रेजेंस ऑफ फ्लेम सेल्स आप उनमें फ्लेम सेल्स की प्रेजेंस देखेंगे नेकेड आइज से वो भले ही ना दिखें लेकिन आप माइक्रोस्कोप की मदद से फ्लेम सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट विल बी वन कैरेक्टरस्टिक थिंग देन लेडर लाइक नर्वस सिस्टम मैं भी इस बात को एक्सप्लेन करूंगा कि कैसा लेडर लाइक सिस्टम होता है बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सीढ़ी की तरह एक तरफ से एक नर्व कॉर्ड जा रही है दूसरी तरफ से एक नर्व कॉर्ड जा रही है और उनके बीच में कनेक्शन है सो दैट गिव्स यू लेडर लाइक नर्वस सिस्टम ये कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है और पेरेंकाइमा इन द बॉडी कैविटी ये किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है केवल इसी में जो हाइड्रो स्केलेटन uh, है इनका पैरेंकाइमेटस टिश्यू है ये इनकी अपनी कैपेसिटी होती है और सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी कि हर्मोफ्रोराइड नेचर इनका एक करेक्ट्रिस्टिक फीचर है सो so, ये सारी चीज़ें इनको बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग बनाती हैं एंड दीज आर आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ प्लेटिहेलमथिस अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे प्लेटीहेलमेंथिस को कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं हाउ वी कैन क्लासीफाई दम वाट आर द डिफरेंट क्लासेज अंडर द सेम फाइलम इस फाइलम के अंदर कौन कौन सी क्लासेज हैं सो ब्रॉडली स्पीकिंग देर हैनी डिबेटेबल थिंग्स अबाउट द क्लासेज सम पीपल ऑल्सो हैव फोर क्लासेज ऑफ दिस ग्रुप बट ब्रॉडली आई विल से ज़्यादातर किताबों में जो है तीन क्लासेज में ही डिस्क्राइब किया गया है इसको एक क्लास कहलाती है ट्यूबलेरिया दूसरी जो है ट्रेमटोडा और तीसरी जो है सेस्टोडा याद रखने की बात इसमें यह है कि इसमें से दो क्लासेस ट्रेमेटोडा और सिस्टोडा ये दोनों क्लासेस जो हैं ये पैरासिटिक हैं यानी कि ये हमारे लिए हार्मफुल होती हैं मोस्ट ऑफ देम कॉज डिजीज़ेस और दे टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम अस दे आर ऑलवेज हार्मफुल बट वन क्लास व्हिच इज़ कॉल्ड ट्यूबलेरिया दिस इज नॉट हार्मफुल दिज आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेट्स लुक एट द क्वालिटीज और लेट्स लुक एट द पॉइंट्स विच मेक देम यूनिक तो ट्यूबलेरिया क्लास जो है ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फ़्रेश वाटर में मिलते हैं एंड देयर बॉडी इज लाइक एनी अदर फ्लैट वो एम डॉसोवेंट्रली फ्लैट दे विल नॉट हैव हुक्स एंड सकर्स आई विल कम टू दिस पॉइंट लेटर कि जो पैरासाइट्स हैं इनको होस्ट के अंदर उनकी बॉडी से खाना निकालने के लिए न्यूट्रिएंट्स निकालने के लिए हुक्स और सकर्स की ज़रूरत होती है ताकि ये वहाँ बाउंड रहे और वहाँ से न्यूट्रिएंट ले सकें

टिक इन नेचर ये दोनों कैसी हैं पैरासिटिक नेचर की हैं और क्योंकि ये दोनों पैरासिटिक है तो इनमें हुक्स और सकरस होते हैं सकरस मतलब जैसे आपने लीच देखी है ना लीच जब बाइंड करती है सो इट कैन सख्त द फूड सख्त द ब्लड फ्रॉम द बॉडी दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ सकर्स एंड हुक्स वहाँ अपने आप को होल्ड करके रखने के लिए क्योंकि अगर कोई पैरासाइट इंटेस्टाइन में है आप खाना खा रहे हो बावल मूवमेंट हो रहा है तो उसके साथ तो वो एक्सक्रीट हो जाएगा उसका लाइफ सस्टेन ही नहीं हो पाएगी सो इट हैज टू होल्ड इट सेल्फ इन द इंटेस्टाइन एंड फॉर दैट रीजन दे हैव हुक्स एंड सकर्स नाउ वेरी वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल्स दैट यू माइट हैव हार्ड ऑफ एंड यू माइट हैव सीन दे आर फैस्योला हिपैटिका लिवर फ्लूक लिवर में मिलने वाला एक वो ट्रेमेटोडा क्लास को बिलोंग करता है और एक टेनिया सोलियम जिसे हम कहते हैं इसकी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जिसे हम टेप वॉम भी कहते हैं वो एक टेप की तरह लगता है बहुत लंबा कई मीटर लंबा भी हो जाता है कई बार दैट टेनिया सोलियम बिलोंग टू तो क्लास सिस्टोडा सो डियर स्टूडेंट्स दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट क्लासेस ट्यूबुलेरिया नॉन पैरासिटिक ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा दीज आर द पैरासिटिक क्लासेस ऑफ प्लेटी हेलमथीज नो लेट बी आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन आपसे मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा वेन डू यू थिंक यू हैव चांसेस ऑफ गेटिंग दीज इंफेक्शंस किस तरह के रीजन में किस तरह का फूड खाने से और कब आपको चांसेस हो सकते हैं टीनियासोलियम या लिवर फ्लू के इन्फेक्शन के बिकॉज वेन यू आर रीडिंग जोलॉजी यू मस्ट ऑल्सो बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स सो कैन यू आंसर दैट क्वेश्चन कि किस तरह के फूड में कहां से इनका कंटेमिनेशन आता है कहां से ये आपकी बॉडी तक पहुंच सकता है क्या ये क्रॉल होकर आ जाता है या गंदे पानी से या गंदे खाने से फ्रॉम वेयर डज इट रीच योर बॉडी एंड हाउ डू यू गेट दीज इंफेक्शन दैट इज टीनिया सोलियम एंड लिवर फ्लूक सो आई एल वी वेटिंग फॉर योर आंसर लेट्स हैव अ स्मॉल ब्रेक आई एल बी बैक हेलो एवरीवन थर्मोडाइनेमिक्स फिज़िक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न अक्सर बनी रहती हैं सिस्टम और सराउंडिंग की ये कन्फ्यूज़न हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं मैं हूँ डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से सो जस्ट स्टे कनेक्टेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाए वेलकम बैक टू अशांत अकेडमी आई होप यू रिमेंबर हमने एक क्वेश्चन की बात की थी ब्रेक से पहले और uh, इस बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस वजह से ये जो प्लेटे हेलमथीज़ हैं ये हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं एंड हाउ डू दे हाउ डू दे कॉज डिजीजेस कैसे इनसे बीमारियाँ होती हैं इनके सोर्सेज क्या होते हैं सो व्हेन वी विल लुक एट द डिटेल्स ऑफ दीज ऑर्गेनिज़म्स हम एक एक करके जब इनके डिटेल्स देखेंगे वी वुड नोटिस दैट दे एक्चुअली हैव मोर देन वन होस्ट इनका एक से ज़्यादा होस्ट होता है ये सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही नहीं रहते हैं बल्कि बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी अपना रिपोर्टायर मेंटेन करते हैं सो बिफोर गोइंग इनटू दैट क्वेश्चन उस क्वेश्चन के आंसर पर जाने से पहले मैं एक एक एग्जांपल लेकर चलूंगा वी हैव टॉक्ड अबाउट थ्री क्लासेज इफ यू रिमेंबर बिफोर द ब्रेक ट्यूबलेरिया विच इज अ फ्री लिविंग प्लेटी हेलमथीज दैन ट्रेमा विच हैज एन एग्जाम्पल कॉल लिवर फ्लूक और फेस्योलापेटिका एंड सस्टोडा जिसका एग्जाम्पल है or flatworm that is tapeworm. So the first example that you can see here is planaria and as I mentioned, planaria is free living organism, it is which is it is not parasitic and since it is not parasitic it does not have any uh, hooks or any suckers in its body, it has a very simple layout, you can see in a picture here that इट इज़ अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली इसके जो अंदर भरा हुआ है जो सेल्स भरी हुई हैं उनको आप क्या नाम देंगे पैरेंकाइमा कहेंगे एंड दे विल भी एग्जोस कैलेटन ओवर एयर सो दिस प्लानरिया इज़ ऑल्सो नोन बाई एन ऑल्टरनेट नेम इसको डुगेशिया नाम से भी जाना जाता है एंड ये फ्रेश वाटर पॉन्ट्स में और जो धीरे चलने वाली स्ट्रीम्स हैं नॉट वेरी फास्ट स्ट्रीम्स सो यू कैन से इन इन प्लेन एरियाज इन इन नॉन हिली एरियाज जो वाटर स्ट्रीम्स हैं वहाँ पर यह प्लानरिया मिलता है इसकी बॉडी में सिलिया होती है और इसमें बहुत ज़्यादा रीजनरेशन की पावर होती है इनफैक्ट देर हैव बीन सेवरल रिजनरेशन एक्सपेरिमेंट एज़ आई टोल्ड यू हाइड्रा के लिए आपको ध्यान होगा कि हमने बात की थी हाइड्रा को अगर छोटे छोटे पीसेज में कट कर देते हैं तो वो कम्प्लीट ऑर्गेनिजम बना लेता है इसी तरह से प्लेरिया के ऊपर भी देखा गया है कि इसको हम अगर पीसेज में ब्रेक कर दें इट हैज़ इनॉर्मस एबिलिटी टू ग्रो इफ़ यू कट इट्स हेड आप इसका हैड अलग कर दीजिए इसके हेड से फिर एक नया ऑर्गेनिज्म रिजनरेट हो जाएगा अगर आप इसकी टेल को अलग कर देंगे उसमें से एक नया ऑर्गेनिज्म इमर्ज हो जाएगा सो दिस हैज इन एबिलिटी ऑफ रिजनरेशन एंड देर फोर इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मॉडल ऑफ रिजनरेशन साइंटिफिक स्टडीज़ में इसको रिजनरेशन के मॉडल के तौर पर यूज़ किया जाता है नाउ वाट आई वॉज टेलिंग यू इन इन दी अर्लियर डिस्कशन हम लेडर लाइक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे कि इनमें जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे लेडर लाइक -like होते हैं So here are some examples you can see here of, of the mesenchymal system or excretory system. You can see the excretory system, nervous system. these systems kasi arranged like a CD arranged across the entire length of the body, these nervous, thing, uh, nervous cells or even the excretory cells, they are arranged across the entire body. So this is also one of the important characteristics of these organisms. ये भी इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एंड हियर यू सी अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल व्हिच इज कॉल्ड एज फ्लेम सेल तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो फ्लेम सेल्स होती हैं दे हैव बीन नेम्ड फ्लेम सेल्स बिकॉज दे हैव स्ट्रक्चर इन देम विच हैव सीलिया

सेल्स हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी मटीरियल दैट यूजली गेट एक्यूमुलेटेड ओवर हेयर एंड ड्यू टू द कंटिन्यूअस फ्लिकरिंग ऑफ द सीलिया और अ फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर विच अपेरेंटली लुक्स लाइक फ्लेम बट देर इज नथिंग बर्निंग इन साइड इट कुछ जल नहीं रहा होता है ऐसा नहीं समझना है आपको केवल फ्लेम की तरह दिख रहा होता है वो इसलिए उसको फ्लेम सेल कहते हैं सो दिस एक्सक्रीटरी मटीरियल गेट फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द बॉडी फ्लुइड्स ये बॉडी फ्लूड्स से फिल्टर आउट हो जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि इस इस ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर जो भी एक्सक्रीटरी मटीरियल होगा दैट विल एंटर इन टू दीज स्मॉल फ्लेम सेल्स एंड दैट विल बी फिल्टर्ड आउट एंड कलेक्टिवली दिस कैन बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम अ कॉमन एक्सक्रीटरी पोर ये कॉमन एक्सक्रीटरी पोर से सारा एक्सक्रीटरी मटीरियल बाहर निकल जाता है तो आप इनको समझ सकते हैं कि ये मिनिएचर किडनीज हैं जैसे हमारी बॉडी में किडनी होती है किडनी के अंदर ग्लोमुलरस होता है उसमें मालपीजियन uh, बॉडीज होती हैं जिनमें सेल्स uh, चीज़ें जाती हैं फिल्टर होती हैं और यूरिन अलग हो जाती है तो ये उन्हीं का मिनिएचर वर्जन है एंड दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन इन मैनी एग्जाम्स एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड दैट प्लेटी हेलमेंथीज हैव फ्लेम सेल्स एज एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स एंड रिमेंबर इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फ्लेम एक्चुअली दे ओनली फ्लिकर लाइक फ्लेम दैट्स वाई दे हैव बीन नेम्ड सो लेट्स नाउ मूव अड आगे चलते हैं एंड टॉक अबाउट अनदर वॉर्म दिस इज क्वाइट डेंजरस नॉट लाइक प्रीवियस वन ये थोड़ी हार्मफुल चीज है डरने वाली चीज है इतना भी नहीं डरना है बट दिस कॉज इज अ सीवियर डिजीज ऑफ लिवर ये लिवर में जाकर वहां पर इन्फेक्शन कर सकता है दिस इज कॉल्ड एज लिवर फ्लूक इन जनरल लैंग्वेज इसको हम लिवर फ्लूक कहते हैं क्योंकि ये है? लिवर के अंदर सस्टेन करता है एंड एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज वन ऑफ द पैरासाइट ये प्लेनेरिया की तरह नहीं है जो फ्री लिविंग हो नुकसान ना पहुंचाए ये अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करता है कैसे एक्सट्रैक्ट करता है इट हैज़ गॉट सकर्स इसके पास सकर होते हैं ये अटैच हो जाता है लिवर की सेल्स में जाकर और लिवर की सेल्स में अंदर सब जो भी फूड मटेरियल होता है उसको ये एबजॉर्ब कर लेता है आप जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जो भी खाना खाते हैं वट एवर वी ईट स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स वो एब्जॉर्ब होने के बाद सबसे पहले कहाँ जाते हैं दे गो टू आवर लिवर और ये वहीं पर प्रेजेंट होता है तो सारा ग्लूकोज सारा कार्बोहाइड्रेट जो भी खाना चाहिए ये वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है और साइज में ग्रो होता रहता है वहीं रिप्रोड्यूस भी होता है तो जब ये डिवाइड होगा वहाँ पर इसका नंबर भी बढ़ेगा एंड इट विल ऑल्सो इंक्रीज इन साइज सो ग्रेजुअली इट कीप्स ऑन डिप्लीटिंग द लिवर हेल्थ एंड पीपल माइट सफ़र फ्रॉम जॉन्डेज पीपल माइट सफ़र फ्राम डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम्स प्रोड्यूस बाई द लिवर एंड दैट माइट बी इवन लीथल सम्स कभी कभी डेथ भी हो सकती है अगर ये बहुत सारे लिवर फ्लू से इकट्ठे हो जाए लेकिन ब्लॉक द ट्यूब विच कनेक्ट लिवर विद गॉल ब्लैडर गोल ब्लैडर जो बाइल जूस इकट्ठा करता है ना उसके अंदर यह इकट्ठा हो जाता है और उस पूरी ट्यूब को ब्लॉक कर देता है तो उससे कई बार डेथ होने के चांसेस भी होते हैं बट देर इज अ क्योर पॉसिबल अनक्योरेबल नहीं है देर आर मेडिसन्स विच कैन बी यूज टू किल दिस ऑर्गेनिज्म सो यू डोंट नीड इवन ऑपरेशन फॉर रिमूविंग दिस कैन किल दिस पैथोजन किल दिस पैरासाइट एंड वी कैन बी कम्प्लीटली क्योर अगेन आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिपीट दिस पॉइंट्स यू ऑलरेडी नो आपको ऑलरेडी पता है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म ही हारमोफ्लोराइड होते हैं इनके अंदर uh, जो है दोनों जेंडर्स दोनों सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं दैट मीन्स मेल एंड फीमेल बट बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इसमें डिस्पाइट इट इज हार्मोफ्लोराइट इट स्टिल हैव क्रॉस फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स इट नीड अ पार्टनर फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स हार्मोफ्लोराइड है इसमें दोनों सेक्सेस हैं इट हैज गॉट मेल सेक्सेस एज वेल एज फीमेल सेक्स बट स्टिल इट नीड अनदर ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द एनाटॉमिकल डिफरेंसेस एंड लोकेशंस ऑफ दीज ऑर्गन्स द सेल्स फ्रॉम वन ऑर्गन नॉट रीच इंटू अनदर ऑर्गन सो इट नीड्स अनदर ऑर्गेनिज्म एंड दैट्स वाई इट अंडरगोज क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसलिए इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है एंड well so इसमें uh, इसमे जो फैस्य फैस्योलियास है उसी को हम लिवर फ्लू को इन्फेक्शन कहते हैं ये डिजीज़ का नाम है जो इसमें होती है और मैं इस बात को ऑलरेडी एम्फोसाइज कर चुका हूँ आपको बता चुका हूँ कि इसकी वजह से बाइल डक्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं क्या हो जाएगा बाइल डक्ट्स ब्लॉक होने से आपको अगर थोड़ा सा एनाटॉमी पता है तो आप जानते हैं कि ये लिवर है लिवर के साथ में गॉल ब्लैडर होता है और गॉल ब्लैडर क्या करता है बाइल जूस को स्टोर करता है तो यहाँ लिवर से एक ट्यूब कनेक्ट होती है जो इस बाइल जूस को यहाँ इकट्ठा करने में मदद करती है और ये फिर बाइल जूस कहाँ जाता है दिस गोज़ टू योर इंटेस्टाइन तो अगर ये बाइल डक्ट बंद हो जाएगी इट विल बी ब्लॉक बाई दिस लिवर फ्लू जूस विल नॉट गो इन टू योर इंटेस्टाइन एंड वट विल बी द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ योर डाइजेशन कि हम फैट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे यानी कि आप घी खाएंगे ऑयल खाएंगे तो तुरंत आपका स्टोमक अपसेट हो जाएगा सो दैट कैन बी अ इंडिकेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शंस ये इस तरह के इंफेक्शन का इंडिकेशन हो सकता है अगर बाइल डक्ट में कोई प्रॉब्लम है बट इट इज नॉट अ डायग्नोसिस यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर फॉर दैट नेक्स्ट पॉइंट नो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन दैट आई वॉज डिस्कसिंग विद यू ये जो पैरासाइट्स हैं लिवर फ्लूक फ्लू सोलियम दे डोंट ओनली रिजाइड इन वन ऑर्गेनिज्म इनका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है वो एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होता है अपने आप को सस्टेन करने के लिए ह्यूमन पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं क्योंकि मान लो आपने दवाइयाँ बना ली सारे ह्यूमंस ने दवाइयाँ खा ली और ये तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो हर एक स्पीशीज़ को अपने सस्टेनेंस के लिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई बैकअप प्लान तो रखना पड़ेगा ना सो दीज थिंग्स हैव दैट बैकअप प्लान एंड दे एक्चुअली हैव ऑल्टरनेटिव होस्ट इनके पास ऑल्टरनेट होस्ट होते हैं अगर ये ह्यूमन में सर्वाइव कर रहा है ह्यूमन के लिवर के अंदर ग्रो कर रहा है तो कहीं ना कहीं जब ह्यूमन एक्सक्रीट करते हैं तो उनके एक्सक्रीटा में इनके स्पोर्स या जो एग्स हैं वो सॉइल में चले जाते हैं और ये स्वाइल में अगर रहेंगे इसके एक्स तो टाइम के साथ साथ खत्म हो सकते हैं डिस्ट्रॉय हो सकते हैं इनकी पूरी स्पीशीज खत्म हो जाएगी तो उस टाइम पर इसके पास एक ऑल्टरनेट होस्ट होता है एंड दैट इज स्नेल आपने रेनी सीजन में कुछ मोइस uh, सॉइल में ऐसी जगह ये स्नेल्स देखे होंगे तो ये जो स्नेल है ये इसका सेकेंडरी होस्ट है दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपसे कि लिवर फ्लूक का सेकेंडरी होस्ट कौन सा है तो स्नेल इज अ सेकेंडरी होस्ट ये इसके एग्स को जब खाता है तो इसके एग्स के जो डेवलपमेंट है रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द स्नेल एंड द स्नेल देन रिलीज़ अर्ली एम्ब्रियज इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और ये पानी में सर्केरिया लार्वा कहलाते हैं उनको ये रिलीज़ करता है और वो लार्वा फिर फिश में जाते हैं फ़िश से फिर और बाकी एनिमल्स में जाते हैं और अगर Humans, इस फिश को कंज्यूम करते हैं, जिसके अंदर ये लार्वा हैं तो ह्यूमंस को लिवर फ्लू क्वेश्चन था वन डू है इन इफ यू आर इन टू दिस में हैं, properly, जिसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की गई है एंड इफ दैट फिश इज ग्रोइंग इन टू एन एरिया वेयर द फीशेज इज गेटिंग मिक्सड एंड स्नेल्स आर ऑल्सो सरवाइविंग सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट इस चीज के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा एंड दिस इंटायर लाइफ साइकिल कीप्स ऑन गोइंग सो लिवर फ्लू कीप्स ऑन सस्टेनिंग इट सेल्फ ये अपने आप को सस्टेन करता रहता है तो यह एक छोटी सी जानकारी थी लिवर फ्लूक से रिलेटेड कि वो किस तरह अपना साइकिल मेंटेन करता है अगर हम और आगे चलें तो अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है तीसरी क्लास का दैट इज टीनियासोलियम सोलियम यानी कि यह एक टेप की तरह होता है जैसे कि आपने मेजरमेंट करने के लिए टेप देखा होगा ना तो वैसे ही बिल्कुल एक टेप की तरह यह अपनी लेंथ बढ़ाता जाता है इसमें सेगमेंट्स जो है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं और इसका जो मेन बॉडी पार्ट है दैट इज दिस पार्ट स्ट्रोबियम इट हैज सकर्स इट हैज हुक्स इन इट तो ये हुक्स की मदद से अपने आप को इंटस्टाइन में एम्बेड कर लेता है ये पूरा पार्ट इंटस्टाइन में चला जाता है और ये जो सकर्स हैं इसके इनसे ये वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है एंड यू डोंट हैव टू बी हॉरीफाइड बाई दिस मच बिग फिगर इतना डरने की जरूरत नहीं है इतना बड़ा नहीं होता है मेरे बराबर इट इज़ अ फ्यू मिलीमीटर्स वाइड इट इज़ क्वाइट ट्रांसपेरेंट बट द लेंथ में बी क्वाइट लॉन्गर लेंथ जो है इसकी लंबाई जो है वो कई मीटर्स हो सकती है बट इट इज़ वेरी वेरी फाइन इसकी थिकनेस और मोटाई बहुत कम होती है मोटाई तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ये फ्लैट बॉम्स हैं तो फ्लैट बॉम्ब हमेशा डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट होते हैं लेकिन हाँ लंबे हो सकते हैं दे कैन बी वेरी वेरी लॉन्ग डिपेंडिंग ऑन देअ रीच सो इट्स नेम इज टेप वाम और इसको पोर्क टेप वाम भी कहते हैं आई टेल यू वाई इट इज कॉल्ड एज पोर्क टेप वाम एंड इट इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द कंट्रीज उन इंडिविजुअल्स में ज़्यादा होता है जो पोर्क कंज्यूम करते हैं पोर्क इज द म फॉर मीट ऑफ पिग सो दिल्ली वॉज अ पैरासाइट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं और ये जो लार्वा हैं वो यूजली इनके डेवलप होते हैं पिग की मसल्स में यानी कि अभी हम इसका लाइफ साइकिल देखेंगे तो ये भी टीनियासोलियम जो है वो बिल्कुल लिवर फ्लू की तरह ही है जो केवल एक होस्ट पर डिपेंडेंट नहीं होता है इसके भी दो होस्ट होते हैं ये खाना खाकर ग्रो कहीं और होता है अपने रिप्रोडक्टिव बॉडीज कहीं और बनाता है और बाकी का लाइफ साइकिल यानी कि उन एग्स का डेवलपमेंट जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में होता है एंड दैट अनदर ऑर्गेनिज्म इज पिग इन दिस केस पिछले केस में क्या था स्नेल था लिवर फ्लू के लिए वहाँ स्नेल में उसका डेवलपमेंट हो रहा था यहाँ पर इसका डेवलपमेंट जो है वो पिग में होता है नो दिस टीनिया सोलियम इससे होने वाली डिजीज का नाम टीनियस है वो डिजीज़ नहीं कहेंगे वो एक तरह से इन्फेक्शन कह सकते हैं क्या क्या हो सकता है इस इन्फेक्शन में तो ये जब इंटस्टाइन में होगा स्पेशली छोटे बच्चों के या बड़े लोगों के तो पहले तो शुरू शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये जस्ट बाइंड करेगा वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा और अगर आप एक्सेस फूड खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन इसको चला जाएगा दैट डजन मेक मच डिफरेंस लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वेन दे बिकम ट्रमेंडसली लार्ज कई मीटर बड़े हो जाते हैं दे कीप ऑन फोल्डिंग इन योर इंटेस्टाइन दे ब्लॉक योर इंटस्टाइन इंटस्टाइन ब्लॉक हो जाती है अब अगर इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएगी यू कैन इमेजिन दैट इज अ रूटीन पैसेज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ़ द फूड और अगर वो ब्लॉक हो जाएगी सो योर फूड विल स्टार्ट अक्यूमलेटिंग यू विल हैव स्वेलिंग माइक्रोबियल इन्फेक्शंस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक सेप्सिस सो दिस कैन ऑल्सो बिकम अ कॉज ऑफ डेथ इससे भी डेथ हो सकती है बट देर आर प्रिवेंटिव मेजर्स दवाइयाँ हैं मेडिसिन हैं एंड दिस कैन बी डायग्नोस्ड ये डायग्नोस भी किया जा सकता है एक्सेसिव पेन इन एंड डिफेक्टिव बाउल मूवमेंट तो जनरली बच्चों में इसकी शिकायतें ज़्यादा होती हैं बड़ों में भी हो सकती हैं एज आई टोल जो लोग पोर्क ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आई होप अब तक आपको इस बात के जवाब मिल गए जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उन्हीं क्वेश्चन के सराउंडिंग ये सारी चीज़ें थी ये डिस्कशन था और साथ ही साथ आपने इनके स्ट्रक्चर भी देखे कि ये दोनों जो वॉम्स हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं वो किस तरह के दिखते हैं फाइनली आई ऑल्सो टॉक अबाउट द कम्पलीट लाइफ साइकिल ऑफ द स्टीनिया सोलियम जिसकी हम बात कर रहे थे कि इनका लाइफ साइकिल कैसा दिखता है सो इफ यू स्टार्ट आई मीन सिंस इट इज़ अ साइकिल यू कैन स्टार्ट एनी वेयर लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द ह्यूमन ह्यूमन की इंटेस्टाइन में इसका इन्फेक्शन हुआ उसमें इन्फेक्शन के बाद जब ये बहुत ज़्यादा टीनिया सोलियम प्रोड्यूस हो गया तो वहाँ से इनके स्पोर्ट्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी मटेरियल में प्रोड्यूस होते हैं एंड इफ डेफिकेशन इज़ टेकिंग प्लेस आउटडोर्स इन दी ओपन एरिया बहुत सारे लोग रूरल एरियाज में ओपन एरियाज़ में डेफिकेशन करते हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को स्प्रेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि अगर ओपन फील्ड्स में डेफिकेशन किया जाएगा तो इनके जो एग्स हैं आप देख रहे हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल में इनके एग्स प्रोड्यूस होंगे और वो एग्स क्या है ओपन एरिया में होंगे ग्रेजिंग एनिमल्स उस ग्रास को या उस मटेरियल को खाएंगे ना व्हाई पिग्स आर मोर वनरेबल टू दिस बिकॉज डिपेंडेंट ऑन द डर्टी वाटर एंड एंड सम काइंड ऑफ मडी एरियाज वो उस तरह के गंदी चीज़ों में रहते हैं तो उस वजह से चांसेज ज़्यादा होते हैं कि जो सीवेज है या जो एक्सक्रिटरी मटीरियल है उसके कॉन्टेक्ट में ज़्यादा है तो वोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने उसको होस्ट चूज कर लिया एंड डैट बिकेम अ होस्ट एंड देन ये जो इसके स्पोर्ट्स हैं जब ये इसकी बॉडी में चले जाते हैं सो इनसाइड द मसल्स ऑफ पिग पिग की मसल में इनका डेवलपमेंट शुरू होता है ये जर्मिनेट होता है एक तरह से आप कह सकते हैं एंड देन दे स्टार्ट मेकिंग कंप्लीट ऑर्गेनिजम सो ओंकोस्फीयर्स ओंकोस्फेयर्स मीन्स यू कैन से सीड्स ऑफ दोलियम दे ग्रो एंड जर्मिनेट इन द मसल्स ऑफ पिग एंड ग्रेजुअली वैन दे ग्रो अप जब वो बड़े हो जाते हैं देन दे स्टिल रिमेन मेंटेन इन दैट स्टेट नाउ व्हेन पीपल कंज्यूम द मीट जब वो पिग का मीट कंज्यूम करते हैं जैसे हम पोर्क कहते हैं तो अगर पोर्क को प्रॉपरली क्लीन नहीं किया गया या फिर पिग जो हैं, वो वाइल्ड पिग्स हैं वो ऐसे पिग्स हैं जो गंदे एरियाज में रह रहे हैं तो उन पिग्स में ये होने के बहुत चांसेस हैं और अगर उसको प्रॉपरली कुक नहीं किया गया पोर्क को तो वो जिंदा रह जाएंगे और वो जब कंज्यूम किया जाएगा तो वो हमारी इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ पर अपने सकर्स की मदद से अटैच हो जाएंगे सो दिस साइकिल कीप्स ऑन गोइंग एंड दिस इज़ द रीज़न फॉर इंक्रीज इन द इन्फेक्शन ऑफ टीनियासोलियम सो इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं और डेफ तक पढ़ना चाहते हैं सो एस चांद पब्लिशिंग की इस बुक को आप रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास इस बुक की हार्ड कॉपी नहीं है और आप ई e बुक एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक uh, जो है वो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सो इन दिस वीडियो वॉट वी डिस्कस्ड इस वीडियो में हमने क्या देखा दिस वॉज फाइलम प्लेटी हेलमथीज हमने प्लेटी हेलम्थीज यानी कि फ्लैट वॉर्म्स के बारे में इस वीडियो में सीखा और हमने देखा कि ये वॉम्स पोरीफर्स और सिलेंट्रेट की तरह ही मल्टी सेलुलर हैं उन्हीं की तरह ही एसिलोमेट है लेकिन उनसे एक बात में डिफरेंट है और वो है ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर जहाँ पहले के दो फाइलम डिप्लोब्लास्टिक थे ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं यानी कि ये तीन लेयर्स के बने हुए हैं और हमने इंटरेस्टिंग बात ये देखी कि इनकी जो बॉडी है वो मोस्टली अडाप्टिड है पैरासिटिक नेचर के लिए इनके दो कंप्लीट क्लासेस जिसमें एक लिवर फ्लूक का एग्जांपल हमने देखा और टीनिया सोलियम देखा ये दोनों कंप्लीटली पैरासिटिक हैं लेकिन सारे प्लेटी हेलमेंथिस पैरासिटिक नहीं होते हैं प्लेनेरिया जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म नॉन पैरासिटिक और फ्री लिविंग भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट हमने इन ऑर्गेनिज़म्स के डिटेल और इनके कंप्लीट लाइफ साइकिल की बात भी की और ये देखा कि इनकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है So this was all about this video and please do subscribe like this video and do not forget to press the bell icon at the bottom we'll be back with more interesting videos very soon all rights reserved this video has been prepared for educational purposes only no part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder